सावधान प्रभु। सावधान स्वामीनाथ। अब मेरा मन नियंत्रण में नहीं, विवश हो गई हूँ मैं। किंतु ये उसका समय नहीं है। आप जन्मों से मेरे हृदय में बसे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है, किंतु अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना भी तो आना चाहिए। भ्राता कुछ कीजिए। जय सेनापति। कुमार कार्तिकेय, अपनी स्तब्ध अवस्था से बाहर आइए। कुछ कीजिए प्रभु। आप अपने हृदय पर नियंत्रण रख सकते हैं प्रभु, किंतु अब आप मेरे सामने हैं, तो मैं अपनी निष्ठा, अपने स्नेह को आप पर कैसे न उड़ेलूं। तुम्हारे स्नेह और निष्ठा का मैं सम्मान करता हूँ, किंतु मेरे लिए मेरा कर्तव्य सर्वोपरि है और मुझे असुरों का विनाश करना है। अपने इस कार्य को मुझे पूर्ण एकाग्रता से संपन्न करना होगा। सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। शक्त बाहु जैसा योद्धा इस बालक के सामने दुर्बल पड़ गया। ये बालक तो योद्धाओं का भी योद्धा है, महापराक्रमी, अद्भुत है। मैंने कभी ऐसा योद्धा नहीं देखा। दिव्यता इसके मुखमंडल पर दिखाई देती है।
इसका बल और योग्यता इसकी दिव्यता का प्रमाण है। भाखन ने भ्राता को पहचानना आरंभ कर दिया है। आपने उचित कहा था प्रभु। स्वामी कार्तिकेय के पराक्रम को देख उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा भाखन। इस आयु में ही युद्ध कला और कौशल में इतना निपुण, नेतृत्व करने के लिए सर्वथा योग्य है। ओहो, असुर होकर इस बालक की प्रशंसा, वो भी अपने असुर के मृत्यु पर। कहीं आप असुर सम्राट सूरभ पद्मन की शरण छोड़कर इसकी शरण में तो नहीं जाना चाहते आप? नहीं नहीं, कदापि नहीं। शत्रु की प्रशंसा का अर्थ उसकी भक्ति करना कदापि नहीं होता। अभी तो दो परीक्षाएं शेष हैं। बाहुबल का धनी है तो क्या हुआ, मानसिक रूप से कितना शक्तिशाली है यह जानना भी तो आवश्यक है। ऐसी विकट चुनौती प्रस्तुत करूंगा जिसके सामने इसकी मानसिक शक्ति असफल हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जिससे हम संध्या होने से पूर्व मंदिर पहुंचकर पूजा कर सकें। मूषक जी, चलिए हमें इनसे आगे वहां पहुंचना होगा। तत्र त्रिपथगां दिव्यां शीततोयां अशैवनां। यहाँ का वायु प्रवाह, यहाँ के वातावरण और दिव्यता का आभास करा रहा। केवल वायु ही नहीं देवराज, यहाँ तो ये निर्मल जल भी अत्यंत दिव्य और पावन है। पावन तो होगा ही ना, जब ये दिव्य नदी स्वर्णमुखी है। भ्राता, प्रभु के दर्शन के पहले दिव्य नदी स्वर्णमुखी की पावन जलधारा में स्नान कर लीजिए। इस जल को स्वयं ऋषि अगस्त्य यहाँ लाए थे। ऋषि अगस्त्य यहाँ लाए थे अर्थात? एक बार ऋषिवर के मार्ग में ये स्थान पड़ा तो उन्हें यहाँ दिव्यता का, स्वयं शिव का आभास हुआ, तो उनकी इच्छा हुई कि वो प्रभु महादेव का अभिषेक करें। किंतु यहाँ सूखा था और जल का कोई स्रोत ना था। प्रभु, जल के बिना आपका जल अभिषेक कैसे करूं? किंतु ऋषिवर इस कमी को दूर करने के लिए प्रभु ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन हो गए। और अंततः प्रभु ने स्वयं आकर उन्हें दर्शन दिए। हे महर्षि, आपके मन में समाई प्रभु भक्ति और पूजा की लालसा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रणाम प्रभु ब्रह्मदेव। मुझे ज्ञात है कि आपकी क्या इच्छा है। आप निश्चिंत रहिए, महादेव का कोई भी भक्त अब उनकी पूजा से यहाँ वंचित नहीं होगा, ये मेरा वरदान है। तत्काल ब्रह्मदेव ने माता गंगा का आवाहन किया और वो अगस्त्य पर्वत पर प्रकट हुई। अब जब गंगा तुल्य नदी यहाँ अवतरित हुई है तो उसके तट पर अनेकों तीर्थ स्थल और मंदिर स्थित होंगे। उगते सूर्य के किरणों को प्रतिबिंबित करने वाली इन नदी को स्वर्णमुखी कहा जाता है और ब्रह्मदेव के वचन अनुसार उनके तट पर अनेकों महान तीर्थ हैं। वो तीर्थ भी जिसे ढूंढने आप निकले हैं। कथा रोचक है, किंतु गणेश मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हारी किसी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं की सहायता स्वयं कर सकता हूँ, स्वयं का मार्ग स्वयं ढूंढ सकता हूँ। भ्राता, मुझे तो यहाँ कोई शिवधाम अथवा मंदिर दिखाई नहीं दे रहा है। किंतु मंदिर की घंटियों का स्वर तो इसी दिशा से सुनाई दिया था। यदि मंदिर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है?
जब मुझे मंदिर के घंटों की ध्वनि सुनाई दी थी तो मुझे मंदिर की झलक भी दिखाई दी थी। मेरे विचार से थोड़ा आगे जाने पर ही हमें कुछ स्पष्ट हो पाएगा, इसीलिए हमें नदी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उचित है देव सेनापति, किंतु हम किस दिशा में आगे बढ़े, दाई ओर या फिर बाई ओर? भ्राता दुविधा में है तो मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। मैं जानता हूँ गणेश, तुम मेरी सहायता के लिए तत्पर, किंतु मैं ये कार्य स्वयं करना चाहता हूँ। देवराज, मेरे विचार से हमें इसी दिशा में जाना चाहिए। आइए। प्रभु, स्वामी कार्तिकेय तो उचित दिशा में नहीं जा रहे हैं। कुछ कीजिए प्रभु। ओह, सूझ गया उपाय। मूषक जी, कभी कभी हम प्रभु महादेव को यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं, किंतु सत्य तो ये है कि प्रभु के 8 प्रमुख स्थान हैं, फिर भी वो सर्वत्र हैं। 8 स्थान पर रहकर सर्वत्र रहते हैं प्रभु, वो कैसे, और वो 8 स्थान कौन से हैं? गणेश जी, क्या आपका अर्थ 8 दिशाओं से है? तो क्या अष्ट धातु? यदि ये भी नहीं है तो तुम स्वयं ही क्यों नहीं बता देते गणेश? प्रभु महादेव ने अपने 8 रूपों में 8 स्थानों पर अपना निवास स्थापित किया। प्रथम 5 थे पंचभूत, अर्थात वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। प्रभु ने जिन अन्य रूपों का चुनाव किया वो थे सूर्य और चंद्र। और 8वें थे पशु, अर्थात सृष्टि के सभी जीव। और ये 8 तत्व तो सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त हैं, इसलिए इनका चुनाव कर प्रभु पशुपति नाथ ने इन 8 रूपों में सृष्टि के कण कण में वास करने का निर्णय लिया। और प्रभु महादेव के ये 8 रूप अष्टमूर्ति कहलाते हैं। इन अष्ट रूपों में से प्रभु महादेव ने इस नदी के तट पर वायु रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। ये बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गणेश, किंतु अब हम स्वयं ही वहाँ पहुँच जाएंगे। अवश्य भ्राता, मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं, क्योंकि प्रभु महादेव यहाँ अपने वायु रूप में हैं, इसलिए मात्र उनका आभास ही उन तक ले जाएगा। वायु तो चारों ओर से आ रही है, किंतु ये पत्र वायु प्रवाह की विपरीत दिशा में बह रहे हैं। क्षमा करें प्रभु, मात्र पत्र ही नहीं, यहाँ का कण कण विपरीत दिशा में पड़ रहा है। ये कैसे संभव है प्रभु? वो बेल वृक्ष को देखिए। बेल, पत्र, पुष्प, ये तो एकमात्र प्रभु महादेव की ओर ही आकर्षित होते हैं, और यहाँ वो वायु के नियमों के विपरीत जाकर अपना स्वाभाविक आचरण ही कर रहे हैं, जो केवल चमत्कार से ही संभव है। और ये चमत्कार तो केवल वही कर सकते हैं जिनका वायु के नियमों पर भी नियंत्रण है, अर्थात हम उचित दिशा में ही जा रहे हैं देवगण। एक मंदिर की आकृति तो दिखाई दी मुझे। दिखा रही है, दिव्य है, क्योंकि प्रभु ने स्वयं वायुदेव की तपस्या के परिणाम स्वरूप अपना वायु रूप धारण किया था। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। वो अपने तप में इतने लीन हो गए, उनका तप इतना शक्तिशाली और प्रचंड हो गया कि संपूर्ण सृष्टि पर उसका प्रभाव पड़ने लगा और चारों दिशाओं में एक बवंडर की स्थिति उत्पन्न हो गई। शीघ्र वो बवंडर रूपी वायु प्रवाह त्रिलोक तक भी पहुंच गया। कैलाश में इस प्रकार के बवंडर का भला क्या अर्थ है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभु महादेव, ये आप ही की कृपा है जिससे बवंडर नियंत्रित हुआ है। प्रभु, वायुदेव के तप की ऊर्जा एकमात्र आप ही साध सकते हैं। कृपा कीजिए प्रभु। प्रभु महादेव ने उस संपूर्ण वायु तत्व को अपने भीतर समाहित कर नियंत्रित कर लिया और वायु से उत्पन्न उस बवंडर को साध कर प्रभु ने स्वयं को भी परिवर्तित कर लिया और वायु मूर्ति रूप में वायुदेव को दर्शन दिए। प्रभु, प्रणाम प्रभु। मैं कृतार्थ हूँ आपके दर्शन पाकर। वायुदेव, पूर्ण हुई आपकी तपस्या। आपकी तप की ऊर्जा का अनुभव केवल मैंने ही नहीं किया, अपितु समस्त सृष्टि ने उस ऊर्जा का अनुभव किया है। इसलिए मैं प्रसन्न होकर आपको ये वरदान देता हूँ। वायु सृष्टि में जीवन का आधार बनने के साथ साथ संसार में हर स्थान पर व्याप्त रहेगी। प्रभु, आपका वायु मूर्ति रूप में दर्शन देना मेरे लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। मेरे तप का इससे बढ़कर और कोई उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य और कारण दोनों समाहित हैं आपके तप में। वायुदेव, आपको तो ये ज्ञात है कि सृष्टि में कोई भी घटना अकारण नहीं होती। आपके तप के परिणाम स्वरूप आने वाले समय में ये वायु रूप मेरी अष्ट मूर्तियों में से एक होगा और आपका ये तप स्थल मेरे पंच भूत स्थलों में से एक होगा, जहां मैं स्वयं हूँ कर्पूर लिंग के रूप में प्रकट होकर सदैव विराजमान रहूंगा। दिन से प्रभु महादेव अपने वायुभूत लिंगम रूप में यहाँ पूजे जाते हैं।
और फिर ये स्थान श्री कालहस्ती के नाम से विख्यात हुआ। किंतु श्री कालहस्ती ही क्यों? अवश्य इसके पीछे कोई कथा होगी। अवश्य है, इसके पीछे भी एक कथा है, किंतु एक नहीं, श्री कालहस्ती से संबंधित चार महत्वपूर्ण कथाएं हैं कि कैसे इस मंदिर का नाम पड़ा और किस प्रकार श्री कालहस्ती आने वाले भक्त मोक्ष प्राप्त कर स्वयं प्रभु महादेव में समा गए। वो कथा है, सुनाइए ना प्रभु। श्री कालहस्तेश्वर प्रभु का ये नाम उनके तीनों भक्तों की अगाध भक्ति के कारण पड़ा है। प्रभु के ऐसे महान भक्त अवश्य कोई महर्षि ही रहे होंगे। नहीं, महर्षि नहीं थे तो क्या वो असुर थे? वो मंदिर वन के मध्य में है तो संभवतः वो तीनों भील या आखेटक होंगे। नहीं, मानव योनि के हो ऐसा सौभाग्य भी नहीं था उनका। बालक है तो बालक की भांति कथाएं सुनने दो इसे गणेश से। मैं तो अपना दूसरा अस्त्र क्रियान्वित करता हूं उसके विरुद्ध। अस्त्र? कैसा अस्त्र? विष्णु जो असुरों का परम शत्रु है, उसका ये परम भक्त यहाँ क्या करने आया है? कुछ तो आशय अवश्य है इसका। सोचना है इसके पास या कोई योजना, इसे ज्ञात करना होगा। ज्ञात तो मैं कर ही लूंगा, क्योंकि किसी के मन को पढ़ना मुझे भली भांति आता है। जो देवता बंदी नहीं है वो देव सेनापति कुमार कार्तिकेय के साथ एक विशेष यात्रा पर है, जिसके अंत में एक भीषण युद्ध होगा। इसीलिए प्रथम पंचभूत शिवलिंग की यात्रा संपन्न होने तक मुझे विश्व शांति के लिए यज्ञ करना होगा। क्या प्रश्न पूछा था तुमने कि क्या होगा मेरा अगला अस्त्र? हाँ। तो सुनो, इस देव ऋषि का यज्ञ ही होगा वो अस्त्र। यज्ञ? अस्त्र? ऋषि? कुछ समझ में नहीं आया। यदि मनुष्य भी नहीं थे वो तीनों शिव भक्त तो और कौन थे? श्री कालहस्ती के श्री का अर्थ है एक मकड़ा। हाँ, कितना भी अविश्वसनीय क्यों ना हो, किंतु उनका प्रथम भक्त एक मकड़ा ही था। कालहस्ती के श्री का अर्थ है एक मकड़ा। हाँ, कितना भी अविश्वसनीय क्यों ना हो, किंतु उनका प्रथम भक्त एक मकड़ा ही था। प्रभु को कष्ट हो ये नहीं सह सकता मैं। और जाल बुनूंगा, किंतु सूर्य के इन किरणों को प्रभु के शिवलिंग तक नहीं पहुंचने दूंगा। किंतु उस मकड़े का ये दृढ़ता भरा निर्णय था और विश्वास भी था कि प्रभु के शिवलिंग सदैव सूर्य के किरणों से सुरक्षित रहेंगे।
प्रभु का वो मकड़ा भक्त इसी प्रकार पूर्ण निष्ठा से ऐसे ही प्रभु की सेवा करता रहा। जब भी उसका जाला, वायु, पशु अथवा किसी अन्य कारण से क्षतिग्रस्त होता तो वो मकड़ा उसी क्षण प्रभु के कष्ट को हरने के प्रयास में जुट जाता, पर फिर किसी भी अन्य भक्त के समान ये उस मकड़े भक्त की परीक्षा का समय था। उस दिन सूर्यदेव की किरणें इतनी तीव्र और तीक्ष्ण थी कि वो मकड़े के जाल को अपने ताप से जलाने लगी, और उसके सभी प्रयासों के बाद भी वो अपने जाल को सुरक्षित नहीं रख पा रहा था। तो क्या उस भक्त ने असफलता स्वीकार कर ली? नहीं वीर बाहू जी, किसी भी सच्चे भक्त के समान उसने अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया, किंतु अपनी भक्ति पर आँच नहीं आने दी। वो अग्नि बुझाने जाले के उस भाग पर पहुँच गया जहाँ अग्नि का प्रभाव था, और अग्नि को शांत करने के प्रयास में वो स्वयं आहत होने लगा, किंतु रुका नहीं। ये तो मात्र उस भक्त की परीक्षा थी। शिवलिंग का स्पर्श होते ही उसे प्राणदान प्राप्त हुए। ऐसी अटूट भक्ति है तुम्हारी वत्स कि तुमने वो कार्य किया है जो प्रभु अपने भक्तों के लिए करते हैं। अपने प्रभु को ही अपनी छत्र छाया से ढक दिया तुमने, तपती धूप में छाया प्रदान की। तुम्हारी ये महान भक्ति सृष्टि के अंत तक स्मरण की जाएगी, सृष्टि के अंत तक स्मरण की जाएगी। प्रभु महादेव उससे इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उस मकड़े भक्त से पुनः वरदान मांगने को कहा। एक छोटे से कीट को भला क्या वरदान चाहिए होगा? प्रभु की भक्ति भक्तों में भेद नहीं करती, फिर चाहे वो कोई मनुष्य हो या छोटा सा कीट, उसकी भक्ति ही उसे सच्चा भक्त बनाती है। ये तो उस मकड़े भक्त ने प्रमाणित कर ही दिया था, इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसने मांगा भी वही होगा जो एक सच्चा भक्त मांगता। क्यों गणेश? हाँ भ्राता, भक्त मकड़े ने संयुज्य मुक्ति का वरदान मांगा। वत्स, मैं तुम्हें संयुज्य मुक्ति का वरदान देता हूँ। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें ये भी आशीष देता हूँ कि यहाँ जो भी सच्ची निष्ठा से भक्ति करेगा, वो मनुष्य हो अथवा कोई जीव, चींटी हो या विशाल काय गज, उसे मुक्ति प्राप्त होगी और मेरे साथ सदैव तुम्हारी पूजा होगी। हे श्री ज्ञान मूर्ति गणेश जी, श्रीकाल हस्ती में श्री नाम कैसे जुड़ा ये तो ज्ञात हो गया मुझे, किंतु काल और हस्ती ये शब्द, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? जैसे वो मकड़ा प्रभु का भक्त था, वैसे ही एक काल अर्थात एक सर्प और हस्ती अर्थात एक गज भी महादेव के भक्त थे। प्रत्येक भोर में वो गज हस्ती पुष्प गुच्छ और बेलपत्र के साथ अपनी सूंड में जल लेकर आता था। और फिर संध्या में काल नामक सर्प भी आया। उस सर्प के अनुसार वो पत्र और पुष्प प्रभु के योग्य ना थे, तो उसने प्रभु के स्थान को स्वच्छ किया, फिर शिवलिंग को मणियों से सज्जित किया और प्रभु पूजा में रम गया। जिस प्रकार काल को हस्ती गज की पूजा पद्धति नहीं भाती थी, उसी प्रकार गज हस्ती को काल की पूजा से कोई लगाव ना था। वो काल की लाई मणियों को पत्थर समझ दूर फेंक देता था और काल उसके पुष्पों को।
ऐसा कुछ दिनों तक निरंतर चलता रहा। किंतु एक दिन क्रोधित होकर उस गज ने मणियों को जलाशय में फेंक दिया। जब रात्रि में सर्प वहां पहुंचा, तो वो प्रभु के शिवलिंग के निकट पुष्प और पत्र देखकर बहुत निराश हुआ। उसने अपने अनुसार उस स्थल को स्वच्छ किया, फिर उसकी प्रतीक्षा में वहीं स्थित हो गया जिसने उसकी मणियों को हटाया था। और फिर अगली भोर दोनों शिव भक्तों में युद्ध छिड़ गया। गज के इस भीषण युद्ध में वो अवस्था भी आ चुकी थी जब उस असहनीय कष्ट को सहन कर पाने में असमर्थ वो गज अपनी अंतिम श्वासें गिन रहा था। पुष्प उठाकर शिवलिंग के निकट पहुंच गया और सर्प भी मणि उठाकर प्रभु के निकट। कल्याण। जब दोनों के प्राण लौटने लगे तो मकड़े भक्त के समान काल और हस्ती दोनों ने सयुज्य मुक्ति ही मांगी। उनकी इस भक्ति से प्रभावित होकर प्रभु महादेव ने उन्हें मात्र मुक्ति ही नहीं दी अपितु एक अनूठा आशीष भी प्रदान किया। मुक्ति के साथ साथ मैं तुम दोनों को यहाँ एक विशेष स्थान देता हूँ। आज के बाद तुम दोनों के नाम मेरे नाम से जुड़ जाएंगे और तुम दोनों के चिन्ह मेरे इस शिवलिंग के ऊपर होंगे। इसीलिए उन तीनों भक्तों के सम्मान में प्रभु के इस मंदिर का नाम पड़ा श्रीकालहस्ती। श्रीकालहस्ती। श्रीकालहस्ती की जय। श्रीकालहस्ती की जय। तुमसे प्रभु श्रीकाल हस्ती की ये कथा जानकर मन बड़ा आनंदित हुआ गणेश। किंतु अब हमें संध्या आरती के लिए मंदिर की ओर बढ़ना चाहिए। नहीं नहीं भ्राता, मैंने अभी तक आपको वो मुख्य कथा तो सुनाई ही नहीं है जिसका संबंध पाशुपतास्त्र से है जिससे आप सुरा पद्मन का वध कर सकेंगे। और मात्र पाशुपतास्त्र ही नहीं, इस कहानी के माध्यम से मुझे आपको विवाह के लिए भी तो मनाना है। माँ, जब प्रभु महादेव किसी ऐसे कार्य के लिए कहीं प्रस्थान करते हैं तो आप अपना समय कैसे व्यतीत करती हैं? ये कैसा प्रश्न पूछ लिया मैंने? माता क्या सोचेंगी? तुम्हारे इस प्रश्न का अर्थ मैं समझती हूँ पुत्री। हो ना हो, तुम भी पुत्र कार्तिकेय को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करने लगी हो।
पुत्री, जब महादेव ऐसे विशेष कार्यों के लिए बाहर जाते हैं तो मैं उनके कुशल क्षेम के लिए पूजा में व्यस्त रहती हूँ। इससे मेरा ध्यान भी बटा रहता है और मैं किसी भी कारण से उनका ध्यान नहीं भटकाती। किंतु मैं अपने मन को कहाँ व्यस्त रखूं? तुम भी अपना ध्यान लगाने के लिए महादेव का 16 सोमवार का व्रत कर सकती हो। इससे तुम्हें अपना मनचाहा वर भी मिल जाएगा और तुम उसके हित में पूजा भी कर सकोगी। संध्या वंदन में तो अभी बहुत समय शेष है भ्राता, आप कहे तो मैं पाशुपतास्त्र की कथा भी सुना दूं? हाँ गणेश, सुनाओ। पाशुपतास्त्र महाभारत के लिए अत्यंत आवश्यक था, इसलिए महादेव के महाभक्त अर्जुन जो महाधनुर्धारी थे उन्होंने यहाँ अपनी तपस्या आरंभ की। किंतु बाद में उनकी तपस्या के कारण पिताश्री महादेव और उनके बीच युद्ध छिड़ गया। देवऋषि का विश्व शांति के लिए यज्ञ जितना विशाल होगा, चुनौती भी उतनी विशाल होगी उस बालक कार्तिकेय के सामने। यह जब वो कार्य करेगा जो मेरा शक्तिशाली असुरशक्त बाहु नहीं कर सका। नारायण अवतार श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांडु पुत्र महारथी अर्जुन ने पाशुपतास्त्र प्राप्ति के लिए जगत पिता महादेव की तपस्या आरंभ की। तनोति धर्मम विधुनोति कल्मषम हिनस्ति दुखम विदधाति सन्मदम चिनोति सत्वम विनिहंति तामसम तपो अथवा किम ना करोति देहिनाम। अर्थात तप धर्म का विस्तार ही नहीं करता अपितु दुख का विनाश भी करता है, साथ ही अस्मिता भी देता है और सत्व का संचय करता है। तब से सब कुछ संभव है। उसी प्रकार महारथी अर्जुन की तपस्या के चरम ने असंभव को संभव किया। उनके जाप से कैलाश ही नहीं महादेव भी अछूते नहीं रहे। किन विचारों में मग्न है? स्वामी, अपार शक्ति के साथ अपार दायित्व भी निभाना पड़ता है। अपने तप के फल स्वरूप महारथी अर्जुन को पशुपतास्त्र प्राप्त होगा, किंतु स्वामी, क्या महान धनुर्धारी अर्जुन सदा इसका प्रयोग अपनी बुद्धिमानी से और न्याय के लिए ही करेंगे? यह तो हमें तभी ज्ञात होगा देवी, जब अर्जुन की परीक्षा होगी। इसी मध्य दुष्ट दुर्योधन ने वाराह मुकासुर को अर्जुन के तप को भंग करने के लिए भेजा। ये कोई साधारण वारा तो नहीं है प्रभु। Thank you.
रुको, वो मेरा खेत है, तुम उसका वध नहीं कर सकते। योद्धा का अस्त्र एक बार उड़ गया तो बिना वार के नहीं झुक सकता, और मैं अपना धनुष कदापि नहीं झुकाऊंगा। वास्तविक योद्धा और आखेटक बातों में अपना समय नष्ट नहीं करते। अपना लक्ष्य साधो और संभव है तो मुझसे पहले उसका वध करो। एक ही बार में आपने इतने विशाल और भयंकर वारा का आखेट कर दिया। देवी, आपसे भूल हो रही है, मेरा बाण है इस वारा के अंत का कारण। आप एक कुशल योद्धा अवश्य है, किंतु प्रहार तो मेरे बाण ने भी किया है इस पर, इसलिए मुझे विश्वास है इसे आहत भी मैंने ही किया है। आपको विश्वास है और मैं अपने बाण के वार को लेकर पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। जब दोनों बाणों ने एक ही समय पर इस पर आघात किया है, तब तो ये मृत वारा ही बता सकता है कि इसके प्राण पखेरु किसके आघात से निकले हैं। जो आखेट करते हैं उन्हें भली भांति ज्ञात होता है कि आखेट होने वाला जीव उनके ही बाण से मृत्यु को प्राप्त हुआ है। किंतु तुम तो ठहरे एक तपस्वी, तुम्हें भला कौन श्रेष्ठ धनुधारी मानेगा और कौन स्वीकार करेगा कि तुम्हारा बाण ही सफल हुआ है। उचित कहा तुमने, बिना प्रमाण के कौन स्वीकार करेगा, इसीलिए मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। आओ युद्ध करो मुझसे और प्रमाणित करो कि तुम्हारा कौशल और तुम्हारे बाणों की शक्ति मुझसे श्रेष्ठ है, और जो भी इस युद्ध में विजय प्राप्त करेगा आखेट भी उसी का प्रमाणित होगा। उचित है। महायोद्धा अर्जुन को यह ज्ञात ही नहीं था कि उन्होंने किरात अवतार में प्रभु को चुनौती देकर स्वयं अपनी परीक्षा स्वीकार की थी। मेरे साधारण बाण ही तुम्हें पराजित करने के लिए पर्याप्त है। साधारण बाण का सामना मैं भी साधारण बाण से ही करूंगा। एक साधारण आखेटक के बाण में इतना सामर्थ्य। अभिमन्यु स्थितो गर्भे दिव्य ज्ञान युतो शृणो मेरे धातु बाण को इसका बाण नहीं रोक सकेगा। संपूर्णम् न We'll be right back.
कदाचित तुम्हें लेकर मेरा अनुमान उचित नहीं था। श्रेष्ठ धनुर्धारी हो तुम, तो लो अब मेरे परम शक्तिशाली बाणों का सामना करो। मैं प्रस्तुत हूँ। उचित है। वायु अस्त्र। अर्जुन का युद्ध कौशल, उसका सामर्थ्य अति उत्तम है, किंतु उसकी परीक्षा भी शेष है। किरात रूप प्रभु महादेव और अर्जुन में ऐसा घमासान युद्ध छिड़ गया जो आगे जाकर श्री काल हस्ती की मुख्य कथा का आधार बना। मेरे वायु अस्त्र को तो लौटा दिया तुमने, परंतु मेरा अग्नि अस्त्र तुम्हारे बाणों को भस्म कर देगा। अग्नि अस्त्र। एक प्रहार मेरे भीतर क्रोध की ज्वाला को जागृत कर रहा है। मेरे सारे बाण समाप्त हो गए। आश्चर्य है, मेरे शक्तिशाली दिव्य बाणों का सामना करना किसी भी साधारण अखेटक के लिए संभव नहीं। कौन है ये योद्धा? बस बहुत हुआ, अब मैं अपने महानतम अस्त्र का प्रयोग करूंगा। ओम ब्रह्मास्त्रम। ब्रह्मदेवाय नमः। हे ब्रह्मदेव, ब्रह्मास्त्र को जागृत कीजिए। अर्जुन को भले ही ज्ञात न हो, किंतु मैं उसके द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग महादेव पर कदापि नहीं होने दूंगा। महादेव पर कदापि नहीं होने दूंगा। ब्रह्मदेव मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हैं? मुझसे इतनी प्रतीक्षा क्यों करवा रहे हैं? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अंतिम विकल्प है। ब्रह्मदेव ब्रह्मास्त्र को क्रियान्वित ना भी करें तो भी मैं अपनी समस्त तपोशक्ति का प्रयोग कर इसे क्रियान्वित करूंगा। मुझे ज्ञात है कि इसका विपरीत प्रभाव मुझ पर भी पड़ेगा, किंतु अब मेरे समक्ष दूसरा विकल्प नहीं है। अर्जुन के इस निर्णय का अर्थ यह है कि मैं भी उसे ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से नहीं रोक सकूंगा।
उसकी समझ शक्ति छिन पड़ रही है, फिर भी पराजय स्वीकार नहीं है उसे। ब्रह्मदेव के सम्मान में ब्रह्मास्त्र को नष्ट नहीं करेंगे, फिर उस महाअस्त्र का सामना भला कैसे होगा स्वामी? सभी बाण यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र भी यहाँ कैसे पहुंच गए? कौन था वो किरात? जो भी हो तुम मायावी किरात, अब मैं तुम्हें अवश्य पराजित करूंगा। प्रभु, 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 महादेव, महादेव, मुझे क्षमा करें प्रभु, भूल हुई है मुझसे। आपकी तपस्या कर रहा था और आप पर ही वार करने का दुस्साहस कर बैठे। हमें क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। मेरे दिव्यास्त्र जब विफल होने लगे, तभी मैं समझ गया कि किसी अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली व्यक्तित्व से मेरा सामना है। किंतु योद्धा युद्ध के मद में नहीं रुक सकता, अन्यथा वो मेरा, मेरे युद्ध कौशल और मेरे शस्त्रों का अपमान होता। इसलिए मुझ पर दया करें प्रभु और क्षमा कर दे, क्षमा कर दे मुझे प्रभु। पुत्र अर्जुन, मेरी परीक्षा में सफल हुए तुम। तुमने एक वीर योद्धा के धर्म का पालन किया। पाशुपतास्त्र के लिए सर्वथा योग्य हो तुम। प्रभु, अब आपके दर्शन प्राप्त हो गए मुझे, तो अब और कुछ पाने की इच्छा कहाँ शेष रही? आप तो एक ही कृपा कीजिए प्रभु, मुझे संयुज्य मुक्ति अर्थात परम मोक्ष का वरदान दीजिए। ईश्वर हो या कोई छोटे से छोटा जीव, संसार में सभी के लिए कर्तव्य निर्धारित है। तुम्हारा कर्तव्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है पुत्र। तुम्हारी भक्ति, सच्ची निष्ठा और योग्य योद्धा के गुण से अत्यंत प्रभावित हुआ हूँ मैं। इसलिए मैं तुम्हें युद्ध में प्रयोग करने हेतु वो पाशुपतास्त्र प्रदान करता हूँ, जिसमें सभी जीवों की शक्ति समाहित है। Yeah.
कुंती पुत्र, एकमात्र तुम ही से थामने, इसका वार करने और लौटाने में समर्थ हो। त्रिलोक में कोई भी ऐसा नहीं जो इसका सामना कर सके, इसलिए इसका प्रहार शक्तिशाली शत्रुओं पर ही होना चाहिए। उनसे कम किसी योद्धा पर इसका प्रयोग सृष्टि के अंत का कारण भी बन सकता है। जय शिव शंकर, जय गंगाधर, जय शिव शंकर, जय गंगाधर, करुणा कर करतार हरे, करुणा कर करतार हरे, शिव शंकर, जय गंगाधर, जय शिव शंकर, जय जब इस जन्म अपने कर्तव्य पूर्ण करने पर तुम उसके फल स्वरूप अगला जन्म पाओगे, तब उस जन्म में तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ईश्वर हो या कोई छोटे से छोटा जीव, संसार में सभी के लिए कर्तव्य निर्धारित है। मुझे सफलतापूर्वक इस यात्रा को संपन्न कर पशुपतास्त्र प्राप्त करना होगा, तभी मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा। मुझे विश्वास हो गया कि मेरे जीवन का उद्देश्य आपसे जुड़ा है और मैं आपके कर्तव्य में आपकी सहायक बनूं। तो मैं आपके कर्तव्य के मध्य बाधा कैसे उत्पन्न कर सकती हूँ? इसलिए अब मैं आपके विचारों में डूबी नहीं रहूंगी। अभी तो मैं माँ के बताए 16 सोमवार व्रत में व्यस्त रहूंगी। आपका आशीर्वाद होगा तो मुझे अपने व्रत में सफलता प्राप्त होगी, इसलिए मुझे आपका आशीष दीजिए। देव सेना पुत्र कार्तिकेय के लिए पूर्ण रूप से सुयोग्य है। अब शीघ्र ही इन दोनों का विवाह कर देना चाहिए। तो भ्राता, इस प्रकार वीर अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्राप्त हुआ, इसलिए प्रभु महादेव के किरात अवतार को प्रभु पशुपतेश्वर भी कहा जाता है। और उन्होंने अर्जुन को मात्र वो महाअस्त्र ही प्रदान नहीं किया, अपितु उन्हें भावी जन्म में मोक्ष का वचन भी दिया। तो फिर क्या अर्जुन का पुनर्जन्म हुआ प्रभु गणेश जी? हाँ हुआ, और इस जन्म में भी सयुज्य मुक्ति पाने के लिए उन्हें बहुत कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस जन्म में उन्हें किसी भी ईश्वर में कोई आस्था नहीं थी। और उनके पुनर्जन्म की कथा भी अत्यंत रोचक है। इस कथा की शुरुआत एक कबीले से होती है जिसके राजा व्याधराज नागा को कोई संतान ना थी। मैया को प्रणाम करता हूं। आज के दिन का अखेट स्वीकार करें मां, और एक कृपा और करे माँ, मुझे उत्तराधिकारी दे। मेरा ये दुख हर ले माँ, कृपा करे माँ, कृपा करे। जगत पिता की लीला अपरंपार है। उन्होंने अर्जुन की आत्मा को अगले जन्म के लिए जागृत किया और जगत माता ने उसे एक परिवार दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
व्याधराज नागा को माँ की कृपा से उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ। शांत हो गया, मेरी भुजाओं में आते ही ये शांत हो गया। ये माँ की कृपा है, ये मेरा ही पुत्र है, ये मेरा ही पुत्र है, हाँ ये मेरा ही पुत्र है। और जब वो अपने कबीले लौटे तो सब पहले से ही आनंदित थे, क्योंकि उसी समय उनकी रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया था। महाराज, मैया की कृपा हुई है आप पर, पुत्री हुई है आपको। मैया की कृपा की वर्षा हुई है मुझ पर, उत्तराधिकारी भी मिला और पुत्री भी। नाचो। माता की कृपा में अब उन्हें पूर्ण विश्वास था और राजा अति आनंदित थे। वो अपनी पुत्री लीला और उस बालक फिन्ना की, जो उन्हें वन में प्राप्त हुआ था, दोनों का लालन पोषण बहुत स्नेह से करने लगे और उनकी इच्छा थी कि उचित आयु पर वो उन दोनों का विवाह करवा दें। फिन्ना, आजो, 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 आजो। तुम व्याघ्र हो और ये तुम्हारा अस्त्र है, अब इसे तुम्हें चलाना सीखना है और सामने देखकर निशाना साधना है। हाँ हाँ, समझ गया, आखेट करना तो तुम्हारा भी धर्म है। चलो, अच्छा है, तुम्हारे होने वाले पति के साथ में तुम भी धनुष विद्या सीख लोगी। जाओ ले आओ वो धनुष, लो और साधो निशाना। चलो। प्रणाम मैया, आशीष दीजिए प्रभु। जीती रहो। इन्ना, तुम्हें प्रभु और मैया से आशीर्वाद नहीं लेना? मिट्टी की मूर्ति के सामने क्या झुकना, इनसे क्या मिलेगा? इन्ना, मेरे राजा, मेरे मुखिया का आशीष समझे, इतना ही अधिक है मेरे लिए। जाओ साधो निशाना। अच्छा है, बहुत अच्छा है, धनुष बाण चलाना तो जैसे तुम जन्म से ही जानते हो। ऐसे नहीं, ऐसे सामने दृष्टि रखो और साधो निशाना। नीला, और अभ्यास करो, नहीं तो चूक जाओगी, आगे हाथ से निकल जाएगा और तुम भूखी रह जाओगी। जब तुम हो तो मैं भूखी क्यों रहूंगी भला? तुम आखेट करोगे और जो तुम लाओगे वो मैं खाकर प्रसन्न रहूंगी। फिर से लक्ष्य साधो और छोड़ दो बाण। अनेक योद्धा मेरी दृष्टि के सामने से निकले, किंतु अपने संपूर्ण जीवन में थिन्ना के समान कुशल धनुधारी मैंने नहीं देखा, जैसे ये पिछले जन्म से ही युद्ध कला सीख कर आया हो। व्यर्थ में निर्जीव शिलाकृति के सामने झुकना छोड़ दो, कदाचित तुम्हारा भी लक्ष्य सुधर जाए। जिन्हें तुम मात्र निर्जीव शिला आकृति कहते हो वो मेरे भगवान है, मुझे उनमें विश्वास है। और मुझे विश्वास है मेरी भुजाओं पर, मेरे अस्त्रों पर, और कदाचित इसीलिए मैं अधिक उत्तम धनुधारी। बचपन से इसे समझा रहा हूँ, ईश्वर भक्ति का महत्व समझा रहा हूँ, किंतु इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। और अब जब इसका राज्याभिषेक इतना निकट है तो ये प्रभु में
मैया में आस्था कैसे रख सकता है? जहाँ एक ओर थिन्ना को ईश्वर पर बिल्कुल भी आस्था नहीं थी, वहीं दूसरी ओर नीला की भक्ति प्रगाढ़ होती चली गई। राजा नागा ने उन्हें माता की कृपा समझकर स्वीकार किया था, किंतु वो थिन्ना से कभी ईश्वर सत्ता उनकी भक्ति स्वीकार नहीं करा सके। दो इतने विपरीत व्यक्तित्व, उनके मध्य विवाह संभव ही कैसे था? विवाह के उपरांत व्यक्ति के जीवन में कितने अद्भुत परिवर्तन आते हैं, मैं यही तो आपको दिखाना चाहता हूँ भ्राता, जिससे आप शीघ्र विवाह करने के लिए तैयार हो जाएं। क्या हुआ गणेश, अब किस विचार में डूब गए हो तुम? विवाह एक यात्रा है जिसमें स्त्री और पुरुष एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। ये यात्रा कभी उन्हें आनंदित करती है तो कभी असंतोष का आभास भी कराती है, किंतु शुभ और बड़े उद्देश्य के लिए दोनों पति पत्नी इस यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। थिन्ना और लीला में मतभेद अवश्य थे, किंतु मनभेद नहीं। दोनों एक दूसरे को स्वीकार करते थे। फिर एक दिन उन दोनों के विवाह का समय आ ही गया। अभी भी समय है, तो मुझे अभी भी अस्वीकार कर सकते हो, क्योंकि विवाह के उपरांत भी मैं अपना पूजा पाठ कदापि नहीं छोड़ूंगी। यदि तुम्हारे ईश्वर हमारे संबंध के मध्य ना आए तो तुम्हें पाकर मुझे अति प्रसन्नता होगी। जाओ, अपनी मैया और अपने भगवान से आशीष ले लो, मैं यही प्रतीक्षा करूंगा। आज भी रुकोगे? आज मैं तुम्हें अपनी पुत्री ही नहीं सौंप रहा हूँ, अपितु व्याधराज भी बना रहा हूँ। व्याधराज नागा की, व्याधराज थिन्ना की, व्याधराज नागा की। माँ के सामने इस महायोद्धा थिन्ना को मैं कबीले का सरदार बनाता हूँ। आगे बढ़ो थिन्ना, माँ के सामने मेरी पुत्री और राज सिंहासन को स्वीकार करो। नहीं, नहीं। आगे बढ़ो थिन्ना, माँ के सामने मेरी पुत्री और राज सिंहासन को स्वीकार करो। नहीं, नहीं। बचपन से साथ रहे हो तो विवाह के लिए स्वीकारता क्यों? नहीं नहीं, नीला से विवाह करूंगा मैं, किंतु इस मूर्ति के सामने नहीं। ये शिला की मूरत जिसे आप भगवान मानते हैं, वो पत्थर जिसे नीला पूछती है, मुझे इन पर विश्वास नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है तो मात्र उसमें जो मुझे दिखाई देता है। यदि आप किसी के भी सामने अपना शीश झुकाएंगे तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं तो उन्हें ही सब कुछ मानूंगा जिन्होंने पिता ना होते हुए भी मेरा पालन पोषण किया, मुझे उत्तम धनुर्धर बनाया। मैं नीला को सब कुछ मानूंगा जिसने बचपन से मुझे स्नेह दिया, बचपन से ही जिसने मुझे अपना पति माना। मैं कुछ मानूंगा तो अपने धनुष बाण को मानूंगा जो बिना आखेड़ के मुझे कभी लौटने नहीं देते, या फिर उस पशु को मानूंगा जो अपने प्राण देकर हम सबकी भूख मिटाता है। भूल कर रहे हो थिन्ना, तुम भैया ने ही तुम्हें वरदान के रूप में मुझे सौंपा है और तुम्हें ये परिवार दिया है। ये आपका विश्वास है और मेरा विश्वास, ये कबीला, मेरा परिवार और नीला, मुझे सब आप ही से मिले हैं। कोई मेरे भगवान है तो आप हैं। ये मूरत नहीं मेरे लिए, तुम्हारी ये भक्ति नहीं हट है, मेरा सम्मान नहीं मैया का मान है। तुम मैया को नहीं मानते तो तुम राजा भी नहीं बन सकते और ना ही इस कबीले में रह सकते हो। जिसके लिए मैया कुछ नहीं, वो मेरे लिए, मेरी पुत्री के लिए और इस कबीले के लिए भी कुछ नहीं। मेरे राजा हैं आप, मेरे मुखिया हैं आप जो कहेंगे मैं सब कुछ मानूंगा। आपका राज आप ही रखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रखिए अपना कबीला, मैं कहीं भी चला जाऊंगा। रख लीजिए अपनी पुत्री।
खड़े क्यों हो अब तक? चले जाओ। नीला, अब तो तुम्हें स्वयं अभ्यास कर आखेट करना सीखना होगा। नीला और अभ्यास करो, नहीं तो चूक जाओगी, आखेट हाथ से निकल जाएगा और तुम भूखी रह जाओगी। जब तुम हो तो मैं भूखी क्यों रहूंगी भला? आपके शब्दों के कारण बचपन से मैंने जिसे अपना पति माना, उसे अपना स्नेह दिया, उसके साथ सदा रहने का वचन ही, उसका साथ कैसे छोड़ दूं? रोक लीजिए उन्हें। नहीं, मैं उसे नहीं रोकूंगा। जो तेरी मां को ना माने उसके लिए यहां कोई स्थान नहीं। तुम भी अगर जाना चाहती हो या उसके साथ रहना चाहती हो तो तुम भी जा सकती हो। आशीष दीजिए मैया, मैं अपना कर्तव्य निभा सकूं। चले स्वामी। चलो प्रिय। दोनों का एक दूसरे पर अपार और अटूट विश्वास ईश्वर पर विश्वास करने के ही समान था। नीला ने सबको त्याग कर अपने पति का साथ ही स्वीकार किया। ऐसी अर्धांगिनी का होना एक पुरुष को प्रबल सामर्थ्य प्रदान करता है। यदि पुरुष को ये ज्ञात हो कि उसकी अर्धांगिनी का साथ और विश्वास उसके साथ है तो सांसारिक चुनौतियों का सामना करना सरल हो जाता है। नमः शिवाय। स्वामी, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, इसीलिए मेरी सभी इच्छाएं, मेरी कामनाएं आपकी सफलता से ही जुड़ी हैं। कार्तिकेय सफल हो जाए अपने उद्देश्य में, मेरे रहते असंभव। ऐसा उपाय करूंगा, देव ऋषि का यज्ञ ही देव सेनापति का संकट बन जाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप करना क्या चाहते हैं। देव ऋषि का यज्ञ जब चरम पर होगा तो उसमें पूर्ण आहुति हम देंगे। विश्व शांति नहीं अशांति यज्ञ बनेगा। ये एक असाधारण अज यज्ञ की अग्नि में प्रवेश करेगा और बाहर आएगा एक भयंकर असुर जो बालक कार्तिकेय की मानसिक शक्ति की परीक्षा भी लेगा। नीला ने तो प्रमाणित कर दिया था कि वो एक श्रेष्ठ अर्धांगिनी है, किंतु पति के रूप में अपनी श्रेष्ठता थिन्ना ने कैसे प्रमाणित की? थिन्ना, जो कि अर्जुन का पुनर्जन्म था, उसने भी अपनी पत्नी के त्याग को सम्मान दिया, उसे कभी कोई कष्ट नहीं होने दिया। नीला वन के निकट अपना निवास चाहती थी
तो थिन्ना ने एक टीले पर उसका निर्माण किया। निवास का निर्माण तो हो गया, अब नीला को आंगन में अपनी पूजा का स्थान चाहिए था। थिन्ना तो पूजा पाठ करता नहीं था, किंतु उसने नीला के लिए एक पूजा स्थल का निर्माण कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोनों में ऐसा अटूट स्नेह था कि दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया था। थिन्ना और नीला एक दूसरे की मान्यताओं का सम्मान करते थे, और थिन्ना ने जो किया वो प्रभु में विश्वास के कारण नहीं, अपितु अपनी पत्नी के प्रति अपनी निष्ठा और कर्तव्य निभाने के लिए किया। और इतना ही नहीं, जब नीला प्रत्येक सोमवार श्री कालहस्ती मंदिर जाती तो थिन्ना उसे अपनी भुजाओं में अथवा अपनी पृष्ठ पर उठा कर ले जाता, किंतु स्वयं कभी मंदिर के भीतर नहीं जाता। नीला, जब मैं हूँ तो तुम्हें कष्ट कैसे हो सकता है? प्रभु में तनिक भी विश्वास नहीं है मेरे स्वामी को, फिर भी मुझे कभी अकेले नहीं आने देते। भी पूरी हो जाए, प्रभु के प्रति इनकी भक्ति जागृत हो जाए। प्रणाम। तुम्हारा पति पुत्री, क्या वो यहाँ तक आने के बाद भी मंदिर के भीतर नहीं आएगा? चिंता मत करो पुत्री, उचित समय आने पर इसका विश्वास अवश्य जागृत होगा, और तब ये प्रभु के दर्शन करने एक बार नहीं अनेकों बार आएगा। आइए।
पत्थर को किसी ने भगवान मानकर उसकी पूजा की, अब वो उसी पत्थर से अपने बाण की धार बढ़ा रहा था। किंतु गणेश जी, यदि उसे भगवान और आस्था में विश्वास नहीं था तो फिर उसे मोक्ष प्राप्ति का वरदान कैसे प्राप्त हुआ? हाँ गणेश, जो श्रीकाल हस्ती जैसे पवित्र धाम पर आकर भी प्रभु के दर्शन किए बिना ही लौट जाता था, प्रभु ने उस पर कृपा क्यों की भला? क्योंकि जिसे महादेव में अनास्था थी, वो प्रभु महादेव में ही आस्था के कारण स्वयं अपना नेत्र न्योछावर कर कनप्पा जो बनने जा रहा था। असुरों के सम्राट अजामुखी क्या किसी भी नारी के शब्दों से भयभीत नहीं हो सकता? अपनी सेना में वृद्धि करो और उस भय पर विजय पाओ इससे पहले कि वो तुम्हें पराजित कर दे। मेरी दृष्टि और संकेत मात्र से देवराज इंद्र का ये पुत्र भयभीत हो जाता है तो भला मुझे किस बात का भय, कैसी आशंका? असुर जाति के परम उद्धारक, 1000 ब्रह्मांडों के विजेता, दुर्बल देवताओं को पराजय के मुख में धकेलने वाले, मूर्ख इंद्र को दूर दूसरत करने वाले, तो चंद्र को यहाँ वहाँ भटकने पर विवश करने वाले, वह भी इंद्र को अपना सेवक बनाने वाले, हे महान असुर सम्राट। ये दुर्बल देव बालक मेरा गुणगान कर रहा है, देवता मेरी सेवा में नियुक्त है, वायुदेव अग्निदेव वरुण देव मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इष्ट सेवक की सेवा स्वीकार कीजिए महाराज। भय नहीं आतंक हूं मैं, शत्रुओं का अंत हूं मैं, तो माता ने जो कहा उचित ही तो कहा, भय भी मैं ही हूं उसका कारण भी मैं, तो मुझे भय को अपने निकट भी नहीं आने देना चाहिए, अपितु अपने भय का आतंक का साम्राज्य और बढ़ाना चाहिए। चल हट। ब्रह्मदेव, आपको यहाँ आपके मित्रों की सहायता के लिए नहीं बुलाया गया है, जिस कार्य के लिए बुलाया गया है उसको शीघ्र पूर्ण कीजिए। आज तुम असुरों का भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है, तुम असुरों में से कोई एक बड़ा कार्य करने जा रहा है जिसमें उसे सफलता प्राप्त होगी। देवऋषि का यज्ञ समाप्ति की ओर है तो अब हमारा कार्य आरंभ होगा।
ये क्या था जिसने हमें आगे बढ़ने नहीं दिया, हमें उठा के दूर फेंक दिया। ये देवता अपना गुच्छा कर रचे बिना कहाँ रह सकते हैं। मंत्र की शक्ति से अदृश्य चक्र रचाए देवी ने, इससे कोई असुर उनके यज्ञ स्थल में प्रवेश भी ना कर सके। तब तो शीघ्र आपको कोई उपाय करना होगा, कहीं ऐसा ना हो यहाँ इनका यज्ञ संपन्न हो जाए। उधर कार्तिकेय अपनी पूजा संपन्न कर श्रीकांत हस्ती से ना निकल जाए। बड़े ही अचंभे की बात है, श्रीकाल हस्ती जैसा पावन स्थल जहाँ मकड़ी और हाथी जैसे छोटे बड़े सभी जीव तक प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं, वहां पहुंचकर भी पूर्व जन्म में अर्जुन रहने वाला थिन्ना इस जन्म में प्रभु की आस्था के सागर में डूबने से भला वंचित कैसे रह गया। वो नास्तिक ही कैसे रह गया गणेश? क्योंकि पूर्व जन्म में उससे एक भूल हुई थी भ्राता। किंतु गणेश जी, उससे ऐसी कौन सी भूल हुई थी? यही प्रश्न तो माता पार्वती के मन में भी उभरा था। मैं उसका उत्तर भी अवश्य दूंगा, परंतु उससे पूर्व आपका शिवरात्रि के उस पावन तिथि के विषय में ज्ञात करना आवश्यक है, क्योंकि उसी दिन से थिन्ना में परिवर्तन आना आरंभ हो गया था। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इस मंत्र जाप से मेरी निद्रा भंग हो रही है। ओम नमः शिवाय, भोर में मंत्र जाप की भला क्या आवश्यकता है? नमः शिवाय। नीला, नीला, क्या हुआ? हमने कहा था कि हमें कोई समस्या नहीं, तुम्हारे ये सब क्या शिवलिंग अभिषेक पूजा? हाँ हाँ, वो जो भी है, तुम्हारे भगवान को हमारे बीच भेद नहीं बनना चाहिए। आज मेरी निद्रा के मध्य प्रकट हो गए तुम्हारे भगवान। तो क्या आपके स्वप्न? नहीं नहीं, तुम्हारे मंत्रों की बड़बड़ाहट ने हमारी निद्रा तोड़ दी। इतना बहुत नहीं है क्या कि तुम्हारा भगवान हमारे स्वप्न में भी आएगा? और मेरे स्वप्न में तो एक सुनहरा मृग आया था, बड़े सींग थे उसके। मैं उसका आखेट करने ही जा रहा था, पर तुम्हारे मंत्र जाप ने मेरे नेत्र खोल दिए। तो अच्छा हुआ ना, आज आखेट का कोई कारण भी तो नहीं। मैं बासी भोजन नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, क्योंकि आज तो भोजन करना ही नहीं है। ये हमारा नया निवास है, यहाँ हमारी पहली शिवरात्रि है, इसलिए मैं और आप दोनों शिवरात्रि का व्रत करेंगे। व्रत, शिवरात्रि, कि बोलना मुझे पता है ना, मुझे भाते हैं। तो मैं बताती हूँ ना, आज प्रभु प्रकट हुए थे, जो किसी को दिखाई नहीं देते थे वो प्रभु शिव शंकर शंभू के रूप में साकार हुए। इसलिए आज शिवरात्रि के पर्व की पूजा में हम दोनों उपवास रखेंगे। ये कोई बात हुई भला? आज तुम्हारे प्रभु साकार हुए, यानी उनका जन्म हुआ, और जन्म की प्रसन्नता में तो भोज होता है। और ये कैसे भगवान है तुम्हारे, जिनको अपने जन्म के दिन पर भी सबको भूखा रखना भाता है? हमारे जन्म दिन पर क्या होता था उसका विचार करो। हम रात्रि भर आखेट करते थे, और फिर उस आखेट से पूरे कबीले का भोज होता था। आज उपवास नहीं, वैसा ही भोज होगा, और मैं वो सुनहरा मृग लाऊंगा जो आखेट स्वप्न में अधूरा रह गया था। अब मैं वो पूरा करूंगा। व्यर्थ में जा रहे हैं आप, आज कोई आखेट नहीं मिलेगा। आज तो तुम्हारे भगवान की इच्छा के विरुद्ध दुगना आखेट करूंगा मैं, और यदि ऐसा ना कर सका तो कभी लौट कर तुम्हें अपना मुख नहीं दिखाऊंगा।
जो स्त्री पुरुष अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं, रुचियों और विचारधाराओं को परे रखकर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, उनका दाम्पत्य सदैव सफल होता है।